हेलो गाइस, ये है मेरा जियोधा कार्ड का सरफेस और इस वीडियो के अंदर हम पीएनएल की बात करने वाले हैं। जुलाई और अगस्त का पीएनएल यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके उसको आप देख सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर का अब तक पीएनएल नहीं आया था, जिसका मैंने वादा किया था कि नवंबर के साथ ही दिखा दूंगा, तो यहाँ पर मैं वो दिखाने वाला हूँ। आप जानकर हैरान जाओगे और कई लोग इस चीज़ का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं कि सर के लॉसेस बहुत हुए हैं तो क्या सर पीएनएल दिखा पाएंगे, क्योंकि कोई नहीं दिखाता। मैं सही बता रहा हूँ, यूट्यूब पे अगर किसी का लॉस हुआ है तो वो नहीं दिखाता, क्योंकि हर किसी यूट्यूबर का या तो कोर्स आया हुआ है या कोई सर्विस देता है, जैसे कि मेरा भी, मेरी अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस है, साथ में एक कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ, बल्कि वो आ ही आएगा कुछ दिनों के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या मैं अपना लॉस दिखाऊंगा तो उससे क्या होगा, मेरी डिसफेमिंग होएगी। पर डिसफेमिंग नहीं होएगी, वो मेरे करियर के लिए और अच्छा है कि मैं यूट्यूब पर दिखा रहा हूँ, सबके सामने दिखा रहा हूँ कि मैं गलत था। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सोल खोलते हैं, मैं आपको पीएनएल दिखा रहा हूँ, तो इससे कुछ सीखना भाइयों, ये मत करना कि सर का लॉस हो गया, अरे लॉस हो गया देखो, अरे ये प्रॉफिट हो गया, वाह क्या प्रॉफिट है। मैं हर बार कहता हूँ ये बात आपको, जब मैं प्रॉफिट हुआ था जुलाई अगस्त के अंदर, तब भी मैंने कहा था कि भाई प्रॉफिट हो रहा है अच्छी बात है, पर इसको प्रॉफिट के तौर पर मत देखो, ये देखो कि मैंने काम कैसे किया। और अब मेरा लॉस हुआ है ओवरऑल, तब भी आपसे ये कहूँगा कि आप ये मत देखो कि भाई ने लॉस कर दिया, इसको ट्रेनिंग करनी नहीं आती, आप ये देखो कि मैंने मैनेज कैसे किया। बात करते हैं पूरी, तो यहाँ पर देखिए मैं खोलता हूँ अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन। मेरा हर वीडियो में यही मोटिव रहता है कि मैं आपको सिखाऊं। तो सितंबर और नवंबर तक का, वन सितंबर से नवंबर तक का मैं आपको पीएनएल दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे को नेट जो लॉस हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है 14,600 रुपये का ओवरऑल लॉस। अब आप कहोगे सर ये क्या होगा, आपको ट्रेडिंग करनी आती है, आपने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, कोर्स लॉन्च कर रहे हो, तो मतलब कि जो कोर्स लॉन्च करोगे उसके अंदर तो आपने बेकार बात सिखाई है। तो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ भाई, ये देखो फीचर एंड ऑप्शन है, इसको भी छोड़ो, हम डेट का सेलेक्ट करते हैं, हो जाओ भाई 1 जुलाई से 30 नवंबर तक का, तब क्या आएगा, तब आपको दिख जाएगा कि मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है 30K का। मैं कितना कैपिटल यूज़ करता हूँ, 1 लाख का। अगर मैं जुलाई से अब तक का देखूँ तो ओवर प्रॉफिट में हूँ, पर लास्ट के 3 महीने ख़राब गए हैं। अगर इन लास्ट के 3 महीनों में मेरा कुछ, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस भी होता तो मैं 45,000 के आसपास प्रॉफिट में होता। तो ये बात होती है सोचने की। अब आपने खाली में 3 महीने देखें कि 3 महीने के अंदर इस बंदे का 15,000 रुपया लॉस हुआ है। आप उसको खुद से रिलेट करके देखिए, अगर आप मेरे को कंपेयर करोगे दूसरों से जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल के नाम हैं, मैं उनसे तो अपनी तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नॉलेज के मामले में और स्किल्स के मामले में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। उन्होंने मुझसे बड़े बड़े लॉस किए हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं, तब जाके वो इतने बड़े ट्रेडर बन पाए हैं। पर बात आती है कि क्या वो आपको कुछ बताते हैं, क्या वो आपको कुछ बताते हैं कि भाई ऐसे करो या वैसे करो। वो तो अपना कोर्स लेके आ चुके हैं, कितने का, 30-35 हज़ार का, और कोई सर्विस आपको देती नहीं है, वो अपनी ट्रेड तक आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। तो कैसे मैं मान लूँ कि वो आपको कुछ हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपने आप को बड़ा नहीं मान रहा बिल्कुल भी, पर मैं आपको जो कोर्स ला के दे रहा हूँ उसके अंदर मैं केवल बहुत कम कीमत रखने वाला हूँ, क्योंकि बहुत एफोर्डेबल हो सकती है आपके लिए। और ये कोर्स का वीडियो नहीं है, मैं तो कोर्स का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि उनका कोर्स है 30-40 हज़ार रुपये का, मेरा तो बहुत कम होगा, 14,500 के दाम का होगा मेरा कोर्स। पर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ ऑलरेडी, ये कोर्स आप लो मत लो, वो तो अलग चैप्टर है, वो छोड़ो, कोर्स को बात छोड़ दो आप। मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, फ्री चैनल के अंदर आपको लेवल प्रोवाइड करता हूँ, जिस लेवल पे मैं खुद ट्रेड करता हूँ वो लेवल आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, और इस बात को आप खुद चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ में मेरी अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस भी है। तो अब बात आती है कि सर जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं फिर तो उनका भी लॉस होगा। जी हाँ, उनका भी लॉस है, जो मेरे साथ जुलाई से अब तक जुड़े हुए हैं उनका ओवरऑल प्रॉफिट तो होगा, पर लास्ट के 3 महीने तो गए। भैया मैं तो मंथली बेसिस पे हिसाब करता हूँ अपना, तो अगस्त तक का तो हिसाब हुआ हुआ है, पर सितंबर अक्टूबर नवंबर का मिला के बहुत बेकार स्थिति चल रही है। बेकार नहीं, यही जो आपके सामने 15,000 का लॉस था, तो 1 लाख के हिसाब से 15,000 रुपये लॉस चल रहा है। अब 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होगा, उसको मैं एग्जैक्ट नहीं कहता, पर लॉस चल रहा है उन सबका, और उन सबकी मैं हिम्मत की दाद देता हूँ कि वो मेरे साथ बने हुए हैं। और इस महीने जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया है, जो इस महीने मैं दिखाता हूँ फिर से आपको, खाली नवंबर मंथ के अंदर मैं कमबैक किया है, और
मेरे को इस महीने 9,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, जो सितंबर और अक्टूबर के मंथ थे उनके अंदर मेरे को मंथ एंड में लॉस था, पर इस मंथ के एंड में मेरे को प्रॉफिट है। तो ये सब हुआ है उनके ट्रस्ट की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से। अगर वो चाहते तो मेरे को छोड़ सकते थे, पर किसी बंदे ने नहीं छोड़ा। इसलिए ही नहीं छोड़ा कि भाई कैशो पे उनको भरोसा है। तो इसलिए मेरा अब की बार प्रॉफिट हुआ है और ये रिदम वापस आ चुकी है। और आप ये बात समझ लीजिए, जितने दिन मार्केट साइडवेज या वोलेटाइल रहता है, उसके आने वाले महीनों के अंदर मार्केट खूब ट्रेंडी होता है, खूब होता है। जैसे कि दिसंबर, अब बजट का दिन कब का है, फरवरी का है। बजट से एक या डेढ़ महीना पहले मार्केट खूब अच्छा काम करता है। जी हाँ, अब दिसंबर और जनवरी के अंदर मार्केट खूब अच्छे मूव्स देगा आपको, और बजट के दिन अच्छी आपको मूवमेंट दिख जाएगी। ये होता ही हर बार, मेरे को पता है। तो दिसंबर जनवरी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मेरे द्वारा दिख जाएंगे। मेरा ये कहना है कि मैं मंथ के अंदर 20% निकाल लेता हूँ अपने कैपिटल का। अगर मैं 20% निकाल लेता हूँ, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे को एक साल के अंदर लगभग 20,000 रुपये, एक महीने के अंदर 20,000 रुपये आते हैं भाई मेरे। 1,00,000 का 20% होता है 20,000 रुपये, मैं इतना निकाल लेता हूँ, मेरा ये कहना है। और यहाँ पर 12 महीने में कितने कमा लूँगा भाई, ऐसे तो मैं 12 महीने में कमा लूँगा 2,40,000 रुपये, मतलब कि 2,50,000 रुपये के आसपास। ओके, बहुत अच्छा रिटर्न है ये। अब 5 महीने निकल चुके हैं, जुलाई से नवंबर तक 5 मंथ निकल चुके हैं। तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट किया मैंने ओवरऑल, 30K का। ठीक, कितना बचा भाई, लगभग 2,10,000 रुपये बचे हैं। और कितने महीने बचे हैं, अब मुझे जो कवर करने हैं 7 महीने, तो मेरे को केवल 30,000 रुपये महीना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी जो आने वाले मंथ होने वाले हैं, मैं एक महीने में 20 या 40 तक भी निकाल सकता हूँ। और ये एक महीना आने वाला है, चाहे वो दिसंबर का हो या जनवरी का हो या फरवरी का हो, इनमें से एक मंथ ऐसा जाने वाला है जिसके अंदर मेरे को 40 से 50,000 रुपये का प्रॉफिट होएगा, वो भी एक लगे कैपिटल पे। तो इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को ये देखो कि आप टिक पा रहे हो कि नहीं टिक पा रहे। अब आप कंपेयर करिए अपने से। मैंने कहा ना कि आप अगर दूसरे से कंपेयर करोगे तो आपको मैं ये आपको मेरे अंदर कमियाँ दिखाई देंगी। पर वो लोग आप कंपेयर किससे कर रहे हो, जो लोग आपकी हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो आपको कंपेयर करना चाहिए अपने से, क्या आप कर पा रहे हो। ये सवाल आप अपने से पूछिए कि आप कुछ कर पा रहे हो। कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। प्लीज़ मेरे को भी अपनी स्टोरी शेयर कीजिए कि हाँ आप कामयाब हो और मेरे को भाई अच्छा प्रॉफिट हुआ है 5 महीने के अंदर। पर आप में से 100 में से 90 लोग ही होंगे, जो 90 लोग तो होंगे ही होंगे जो फेल हो रहे हैं, जो कि शेयर मार्केट का रेशियो कहता भी है। तो आपकी हेल्प जो कर रहा है उससे आपको सीखना चाहिए। अगर आप खुद का कंपेयर करोगे तो आपने अगर मान लो 1,00,000 का कैपिटल लगाया है, तो आपने सारा उड़ा दिया होगा अगर आपको 2 महीने लगातार लॉस हो गया। तो तीसरे महीने आपके पास कैपिटल बचता ही नहीं है कि आप ट्रेडिंग कर पाओ। और यहाँ पर मैंने क्या किया, मेरे को जब सितंबर और अक्टूबर के अंदर ओवरऑल लॉस रहा, ये देखिए आप, मेरे को 24 का लॉस रहा। फिर से कहूँगा कि जो मेरे साथ ऑर्डर जुड़े हुए हैं, 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, तो बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं, ऊपर नीचे हो सकता है उनका भी। पर मेरे को जो मेरे अकाउंट में हुआ है वो 24 का लॉस हुआ है। तो इसके बावजूद मैं नवंबर में तैयार था कि नवंबर के अंदर भी लॉस होता है तो मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि मैं कैपिटल यूज़ कितना करता हूँ, केवल 40 से 50,000 रुपये, 40 से 50%। तो यही मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है। तो यही बात आपको ध्यान देनी है। और सारी कहानी घूम फिर के वहीं पर आती है कि आप कितना कैपिटल यूज़ करते हो, कितना रिस्क लेते हो। मैंने उतना रिस्क लिया जितना कि मैं झेल पाता, और मैं झेल गया। और इसलिए इस महीने के अंदर मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट रहा, जिसके लिए मेरे को अपने आप पर गर्व भी है। अब बात आती है कि ये लॉस हुआ है क्यों। लॉस में कुछ गलतियाँ थी, कुछ मार्केट कंडीशन थी, और एक स्टडी का बुरा दौर आता भी है। तो वो बुरा दौर मेरा आ चुका है, मेरे ख्याल से अब नहीं आना चाहिए। और काफ़ी मैंने काम किया है इस पर, जो जो मैंने गलती की है उन गलतियों पर सुधार किया गया है। सितंबर के अंदर मेरे को 15,000 का लॉस था, सितंबर के अंदर भाई मेरे को 15,000 का लॉस था। फिर मैंने गलतियों पे काम किया। और ये देखिए आप, मैं ये चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अक्टूबर में भी 8 अक्टूबर तक कितना लॉस था मेरा, 29,000 का लॉस था, 29,000 का। तो आप समझ सकते हैं, ये तो सितंबर के अंदर लॉस हुआ, साथ में फिर डबल लॉस हो गया अक्टूबर, 8 अक्टूबर तक आते आते।
तो मेरी कंडीशन क्या होगी, मेरे पास बचा था केवल 70K का कैपिटल। फिर उसके बाद मैंने अपनी सारी गलतियों पर काम किया, जो भी मैंने गलतियाँ की ए टू जेड सबको लिखा, अपने आप को बार बार पढ़ा कि मैंने भाई अब तक ये पढ़ाई की थी और वो पढ़ाई फेल कैसे हो रही है, अब तक तो मेरा लॉस नहीं हुआ इतना तो अब लॉस क्यों हो रहा है। तो सब पे काम किया, मार्केट स्ट्रक्चर काम किया। मैं रात के 2-3 बजे तक पढ़ता हूँ और सुबह 8 बजे तक आसपास मार्केट को देखने के खड़ा हो जाता हूँ, उड़ जाता हूँ। तो ये सब मैंने हार्ड वर्क का नतीजा है कि मैं, अब देखो आप 31 अक्टूबर तक क्या हुआ, मेरा वो लॉस 24 हज़ार का रह गया, केवल 24 का, जो 29 का था उसको मैं रिकवर किया और 24 का रह गया। और सबके साथ अकाउंट हैंडलिंग करना यही हुआ, जिसका लॉस था थोड़ा रिकवर हुआ पर समझ गया हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है कैपिटल बच गया। और फिर अक्टूबर के अंदर, सॉरी एक मिनट, फिर नवंबर के अंदर, खाली नवंबर के अंदर दिखाता हूँ आपको, उदाहरण देख लिया वैसे, नवंबर मंथ के अंदर हमने ओवरऑल प्रॉफिट कर लिया, जो एकदम मैंने 8 अक्टूबर तक खो दी थी उसको मैंने फिर से पा लिया और फिर अगले दिन से ही मेरे को प्रॉफिट होना शुरू हो गया। चलो मैं आपको दिखाता भी हूँ एक बार, ये मैंने आपको देखा था 8 अक्टूबर तक का, अब मैं दिखाता हूँ 10 अक्टूबर से क्या कहानी रही। 10 अक्टूबर से मेरे को अब तक 15,000 प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल मेरे को यही रहा कि मैंने अपने आप पे काम किया, पर आप अगर आप मेरे से अपने आप कंपेयर करोगे तो आप ये नहीं कर पाते। तो इसलिए जो मैं कर रहा हूँ उसको देखिए, मैं प्रॉफिट तो सब दिखाते हैं, फिर से वही कहूँगा, पर लॉस को दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने आपको अपना लॉस दिखाया और साथ में जब अभी मेरे को जो मैं कह रहा हूँ कि दिसंबर जनवरी के अंदर या फरवरी के अंदर एक बिग प्रॉफिट आने वाला है तो उसके लिए भी वेट करिएगा, तब भी मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे प्रॉफिट को मत देखो भाई, आप देखो केवल मैंने मैनेजमेंट को कि भाई प्रीवियस मेरे को इतने लॉसेस हुए तब भी मैंने अपनी स्ट्रेटजी पे काम किया है, उसके ऊपर भरोसा किया तब जाके मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो बस मैं अपनी इस P&L वाई वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा और आपसे यही कहना चाहूँगा कि एक खराब टाइम आता है, एक खराब टाइम आता है उसको सामने से फेस करना, एक्सेप्ट करना आपका काम होता है। ये रियल लाइफ में भी होता है और ट्रेडिंग के अंदर भी होता है। ये नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी खराब है, स्ट्रेटजी सब बड़ी होती हैं, उस पर बने रहना आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर मैं अपनी स्ट्रेटजी पर बना हुआ हूँ और आने वाले टाइम के अंदर सब दिखाऊंगा। तो ओवरऑल 5 महीने के अंदर मैं प्रॉफिट में हूँ। और एक बात और, आप लोग सोच रहे होंगे कि जुलाई से पहले का सर आप पीएनएल क्यों नहीं दिखाते। मैं इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि उस समय तक मैं अपने अकाउंट के अंदर केवल प्रैक्टिकल किया करता था। जी हाँ, जून तक मैं अपने अकाउंट के अंदर प्रैक्टिकल किया करता था और मैं अपने केवल क्लाइंट्स के अकाउंट में ही ट्रेड किया करता था। तो इसलिए आपको मेरे अकाउंट में लॉस दिखेगा। पर जब मैं आया हूँ इसके अंदर, किसके अंदर, यूट्यूब के अंदर, एक्टिव हुआ जुलाई से, तो इसलिए मैं आपको जुलाई से दिखाता हूँ। आपको जुलाई से पहले के मेरे चैनल के अंदर कोई भी लाइव ट्रेडिंग वीडियो नहीं मिलने वाली, मिलेगी तो एक दो मिलेंगी, वो भी स्कैल्पिंग की। तो मैंने स्कैल्पिंग के ऊपर बहुत काम किया और कभी मैंने 1 लाख का प्रॉफिट किया, कभी 1 लाख का लॉस किया, तो ऐसे वहाँ के बहुत ऊपर नीचे मैंने काम किया। तो उन सबसे आपको देने का फ़ायदा नहीं है, आपको ह्यूज लॉस दिखेंगे, ह्यूज प्रॉफिट दिखेंगे। मेरे पास ना क्लाइंट की शेयरिंग से काफ़ी पैसा आ जाता है, तो इसलिए मेरे को कभी दिखाने की जरूरत पड़ी नहीं। पर जब से मैं अकाउंट जो अपना यूज़ करता हूँ, साथ में अपने क्लाइंट की भी ट्रेड लेता हूँ, तो उस वजह से मेरे को अपनी ट्रेड अब दिखानी पड़ती है यूट्यूब के अंदर। तो वो सही भी है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और आपको विश्वास बना रहे कि हाँ जो सर अपने अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं वही मैं आपके अकाउंट में भी ट्रेड कर रहा हूँ। तो सारी बात यह है कि जुलाई से अब तक का मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट है, लास्ट 3 मंथ के अंदर अभी लॉस है, इट्स ओके, हम इसको कवर कर लेंगे आने वाले 2-3 महीने के अंदर। फिर हम देखते हैं कि कैसा मेरा स्थिति रहती है, कैसी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहती है। कोई भी क्वेरी हो यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिन से धन्यवाद गाइस।